इंटीग्रेशन बाय पार्ट देखते हैं। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, लीट रूल यूडीएक्स वाला फार्मूला। तो यहाँ पे क्या होता है, दो प्रोडक्ट रहते हैं। वॉट इन दिस मेथड ऑफ इंटीग्रेशन व्हेन देयर इज अ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस लाइक यू यू एंड वी, देयर आर टू प्रोडक्ट यू एंड वी आर द फंक्शंस and we have to take the integration of those functions to solve this. By we can solve this u integration of v dx minus integration of integration v dx into d dx u dx. अच्छे से लिखता हुआ फॉर्मूला आपको समझ में नहीं आया होगा, बिकॉज इसी के ऊपर भी प्रॉब्लम रहेगा। u integration v dx minus इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स इंटू डी बाई डी एक्स यू, ये फार्मूला आप रट लो नहीं तो फिर याद रखो। बट वी हैव टू चूज यू एंड वी, बट वी हैव टू चूज यू एंड वी। यू इज द फर्स्ट फंक्शन, यू इज द फर्स्ट फंक्शन and v is the second function by using LIATE rule. पहले बताया मैंने LIATE rule कैसे काम में करता है, ये LIATE rule, LIATE rule logarithmic inverse algebraic trigonometric and exponential, logarithmic inverse trigonometric algebraic trigonometric exponential. What are the example of logarithmics? So here I write examples, examples log x, log x plus 1, these are logarithmic function, inverse, sine inverse, tan inverse, and what is algebraic, x, x square, x cube, correct, and what is trigonometric, sin x, cos x, and what is exponential, exponential e to the power x, e to the power x, e to the power x, x. So these are exponential. So कैसे का solve करना है, जब भी आपको problem में दो product दिखेंगे sin x into x, ऐसे अलग अलग दिखते हैं, जैसे लॉगरिथमिक इनटू अल्जेब्रिक ऐसे फंक्शन लेते, तो कैसे क्या सॉल्व करेंगे। तो चलिए डायरेक्टली प्रॉब्लम लेते, बिकॉज जब भी हम प्रॉब्लम लेंगे तब भी आपको समझ में आएगा। तो चलिए चलते प्रॉब्लम की ओर। क्वेश्चन, सपोज एक्स इंटू टू द पावर एक्स डी एक्स, दिस इज नॉट डी एक्स, सो लेट आई इज इक्वल टू एक्स इंटू टू द पावर एक्स डी एक्स। एक्स इज द अल्जेब्रिक फंक्शन, एंड टू द पावर एक्सपोनेंशियल algebraic function, पहले identify करना है कौन सा algebraic, कौन सा exponential, exponential function. So by using LIATE rule, algebraic पहले आता है बाद में exponential, पहले x, so x कौन है u, and e to the power x कौन है v, so बस ये दो मिल गए x and u. So अभी LIATE rule वाला फार्मूला में ये पुट अप करना है, जैसे कि इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स इज इक्वल टू यू इंटीग्रेशन ऑफ वी डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट इंटीग्रेशन वी डी एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ यू। सो दिस इज अवर फार्मूला। नाउ व्हाट पुट, यू कौन है एक्स, एक्स इंटू वी डी एक्स, वी कौन है वी ई टू द पावर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन वी कौन है वी वी टू द पावर एक्स, टू द पावर एक्स इंटू डी एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, डेरिवेटिव ऑफ यू कौन है एक्स, बी सॉल्व करना है एक्स इंटू टू द पावर एक्स इंटीग्रेशन ऑफ टू द पावर एक्स टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन टू द पावर एक्स डी एक्स, सो टू द पावर एक्स का टू द पावर एक्स। नाउ व्हाट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, वन,
वन फिर डी एक्स, अभी इंटीग्रेशन करना है एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स, ए टू द पावर एक्स इंटू वन, वन का वन आ जाएगा प्लस सी। सो दिस और फाइनल आंसर वी कैन राइट बिकॉज पूरा सॉल्व किया है अपन ने। सो आई इज इक्वल टू एक्स इंटू ए टू द पावर एक्स माइनस, सो दिस और फाइनल आंसर वी कैन राइट लाइक दैट। आई एम राइटिंग हेयर राइट साइड ए टू द पावर एक्स एक्स माइनस वन प्लस सी। सो इस तरह से आपको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स के सॉल्व करना है, और भी प्रॉब्लम लेंगे कल लेंगे, और यहाँ से अपना इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड पूरा इंटीग्रेशन खत्म होता है। उसके बाद चालू फाइनाइट इंटीग्रेशन जहाँ पे वो पैराबोला हाइपरबोला वगैरह वो वाला होता है वो लेंगे।